हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व के 10 सबसे बड़े पर्वत। विश्व में 10 कौन से वो सबसे बड़े पर्वत हैं दोस्तों, जो हमको एग्जाम में कभी पूछे जाते हैं, जो हमको सीरीज में लगाने को मिल सकते हैं, या फिर ऐसे चार पर्वत दे देगा और बोलेगा दोस्तों कि इसको सीरीज में लगाइए, कौन सा सबसे बड़ा है, बढ़ते क्रम में लगाइए या घटते क्रम में लगाइए। तो इस तरीके के प्रश्न दोस्तों बहुत सारे SSC, रेलवे, NDPT, तो इसमें सब में देखने को मिलता है दोस्तों हमको। ये सब क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन जो दोस्तों 1 मार्क्स के होते हैं, MCQ टाइप्स के क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं सोचा कि आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना दूं जिसमें दोस्तों मैं 10 ऐसे बड़े पर्वत कवर करूंगा जिसमें दोस्तों बढ़ने से छोटे क्रम की तरफ आएगा, और ये पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सबको ये पूरा एक ही लाइन में याद होगा दोस्तों, जैसे कि मैं ट्रिक में बताता हूँ कि बहुत ही कम समय, जैसा वीडियो खत्म होगा आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों विदाउट वेस्ट टाइम, और स्टार्ट करते हैं और खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा वैसे ही आपको ये 10 के 10 पर्वत तुरंत याद हो जाएंगे और एकदम क्रम में याद रहेंगे, आपको भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला है माउंट एवरेस्ट, पहला क्या है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, दूसरा है दोस्तों K2, तीसरा है कंचनजंगा, चौथा है लोटस, फिर मकालू, चोयू और धोलागिरी, मानसलू और नंगा और अन्नपूर्णा, ठीक है, मानसलू और अन्नपूर्णा, नंगा और अन्नपूर्णा। तो ये दोस्तों इतने 10 हैं, आप इनको रटने जाओगे तो घटते क्रम में भी आपको रटना पड़ेगा और बढ़ते क्रम में भी, ठीक है। तो दोस्तों उससे सबसे अच्छा ट्रिक मैं आपको अभी बताऊंगा और फटाक से आपको ये 10 याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मैं दोस्तों ये पर्वत कहाँ पे है उनकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों वो सबको पता रहते हैं, ज्यादातर इसमें से ज्यादातर नेपाल में ही है और बहुत ही कम पर्वत हैं जो इंडिया में हैं, तो वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 10 ऐसे बड़े पर्वत। और दोस्तों अगर आपको इससे अच्छा वीडियो चाहिए जो कि खाली इंडिया में हो कि 10 बढ़ते क्रम में लगाइए, इंडिया में पूछता है दोस्तों कि भारत में 10 ऐसे पर्वत बताइए जो कि बढ़ते से घटते क्रम की तरफ हो, तो दोस्तों आपको इंडिया में अलग होगा, ये विश्व का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इंडिया का भी लेके आ जाऊंगा, बट अभी दोस्तों हम विश्व के बारे में देखते हैं। तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इंडिया के ऊपर भी बना दूंगा 10 नहीं 15-20 पर्वत बना दूंगा सीरीज में। तो पहले आप ये देखिए, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करें, मैं इंडिया के ऊपर भी बना दूंगा। पहले दोस्तों माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट से आप ऐसा इमेजिन करिए कि एवरेस्ट, एवरेस्ट तो आप सबको पता है, एवरेस्ट मसाला सब लोग खाते हो, ठीक है, वो एवरेस्ट आपने काटा, क्या किया आपने, ऐसा इमेजिन करिए कि एवरेस्ट मसाला लाया घर पे और उसको काटा, काटा ऊपर से K2, काटा से K2। अब आपकी बहन कंचन, आपकी बहन कौन है, कंचन, कंचन के ऊपर, कंचन सो रही थी, कंचन के मुंह पे आपने डाल दिया, वो जो पैकेट आपने फाड़ा उसके मुंह पे डाल दिया और वो जाग गई, क्या हो गई, जाग गई, ठीक है, कंचन क्या हो गई, जाग गई। तो कंचन जंगा, कंचन सो रही थी, आपने मसाले का पाउडर उसके मुंह पे डाल दिया और वो जाग गई। फिर वहीं पे बाजू में लोटा रखा था, लोटा आप सबको पता होगा दोस्तों गाँव में यूज किया जाता है, लोटा जिसमें पानी भरा जाता है, वो लोटा उसने क्या किया, फेंक के मारा, क्या किया उसने, फेंक के मारा, और जैसा उसने लोटे को फेंक के मारा वो काला हो गया, ठीक है, जहां उसको लोटा लगा वो काला हो गया, वो भाग, जैसे उसको उसने लोटा फेंक के मारा जो से, तो उसको यहाँ सर पे लगा और वो पूरा क्या हो गया, काला हो गया, और वो गुस्से में घर से निकल गया, ठीक है, और वो क्या किया, गुस्से से घर में निकल गया क्योंकि उसको बहुत जोर से लग चुका था, तो वो समझ लो दवा लेने चले गया, और जो कंचन थी वो फिर से सो गई। इमेजिन करिए दोस्तों, ये पिक्चर बनाइए, पिक्चर इमेज बनाते हैं ये माइंड में और याद होते चले जाएगा, जितना ज्यादा आप पिक्चर बनाएंगे जितना ज्यादा मेमोराइज आपको होता चला जाएगा। तो दोस्तों उसने लोटा फेंक के मारा और मकालू, कालू काला हो गया, ठीक है, काला हो गया, मकालू कालू हो गया, मतलब काला हो गया। उसके बाद जितने में वो सो गई और वो घर से निकल गया लड़का, ठीक है, उसका जो भाई था वो घर से निकल गया क्योंकि उसको सर में चोट लग गया, वो काला हो गया। उतने में दोस्तों चोर आया, कौन आया घर में, चोर आया, ठीक है, चोर आया और दोस्तों उसने अपना झोला खोला, धोला से क्या हो गया दोस्तों, झोला, तो उसने अपना झोला खोला और आलू, मनासलू से आलू, ठीक है, मनासलू से क्या हो गया दोस्तों, आलू, तो उसने झोला खोला और उसमें पूरा आलू भर लिया, घर में जो आलू जितने थे सबको झोले में भर लिया, कंचन तो सो रही थी तो उसने पूरा आलू क्या किया, झोले में भर लिया, और झोले में भरने के बाद वो नंगे पैर, क्योंकि चप्पल वो पहनता तो आवाज आता था, है ना दोस्तों, तो चप्पल वो पहनता तो आवाज आता, इसलिए आराम से उसने नंगे पैर चप्पल निकाल दिया और नंगे पैर आराम से बाहर की तरफ जाना स्टार्ट किया। और जैसे दोस्तों वो बाहर निकला तो अन्नपूरा, जब उसकी बहन उठी उसने घर में देखा तो खाने का सामान जो अन्न था, अन्न मतलब होता है दोस्तों खाना, अन्न
जो अन्न था वो पूरा का पूरा साफ हो चुका था, मतलब उस चोर ने सब कुछ चुरा लिया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला कि आलू लिया, बट ऐसा इमेजिन करें कि उसने घर को पूरा साफ कर दिया। ठीक है, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्ण, अन्नपूर्ण मतलब अन्न, अन्न जितना घर में रखा था सबका सब पूरा साफ कर दिया, तो अन्नपूर्णा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको याद करना है। माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट मसाला, केटू, केटू से क्या किया दोस्तों, उसने केटू काटा। ठीक है, केटू से क्या हो जाएगा, उसके बाद कंचन जंगा, कंचन के मुंह पर डाला, कंचन ने लोटस, लोटस हो गया, लोटस से फेंक के मारा, मकालू काला हो गया, फिर चोऊ, चोर आया, चोर ओऊ और झोला खोला, और फिर मनासलू। ठीक है, मनासलू आलू क्या किया, झोले भरा और नंगे पैर चला गया, और उस कंचन ने उठा देखा कि पूरा घर क्या था, अन्न से खाली था, अन्नपूर्ण, अन्न से पूरा घर खाली था। तो कैसे दोस्तों याद हो जाएगा, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद केटू हो जाएगा दोस्तों क्योंकि काटा, कंचन के आंख में डाला, कंचन जंगा, कंचन ने क्या किया, लोटस, लोटा फेंक के मारा, मकालू काला हो गया, चोर ओऊ। ठीक है, मकालू गया दवा लेने और कंचन सो गए, फिर क्या हो गया, चोर ओऊ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इमेजिन करिए, सोचिए, फिर क्या किया, चोर आया और फिर चोर ने क्या किया, आलू मनासलू, ठीक है सॉरी, धोला, झोला खोला, धोला मतलब, झोला मतलब धोला गिरी, तो झोला खोला मनासलू, उसमें आलू डाला दोस्तों और नंगे पैर निकल लिया। जब कंचन उठती है तो उसने देखा कि अन्न से पूरा घर क्या था, खाली था। ठीक है दोस्तों, तो अन्नपूर्णा, नंगा, मनासलू, धोला गिरी, चोऊ, मकालू, लोटस, कंचन जंगा, केटू। अब दोस्तों आपको याद हो गया है, आप एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं और आप उल्टा भी बोल सकते हैं दोस्तों और सीधा ही बोल सकते हैं। तो ये हो गए दोस्तों विश्व के 10 सबसे बड़े पर्वत, जो कि एक बेहतरीन ट्रिक से मैंने आपको याद करा दिया। अगर दोस्तों आपको इंडिया के अंदर ही चाहिए कि इंडिया में 10 सबसे बड़े पर्वत कौन से, तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो, नहीं तो अगर उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा दोस्तों तो ला के मतलब नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसको ये चीज़ें जरूरी है, जो SSC, रेलवे, NTPC, अलग अलग एग्जाम, UPSC, MPSC का दे रहे हैं, तो आप उनको शेयर करें ताकि उनको इससे फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, मैं वीडियो लाते रहूं। अगर आप शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, लाइक नहीं होगा तो मेरा भी मोटिवेशन डाउन होता है दोस्तों, मैं वीडियो नहीं ला पाता हूं। अगर आप सब मिलके मेरी मदद करेंगे तो मैं भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने के लायक हूं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ये सब काम करिए और कमेंट करिए, जो भी टॉपिक की वीडियो चाहिए आपको आप मुझे बेझिझक कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक की वीडियो लेके आऊँगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।